हेलो एवरीवन, मैं ममता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ एक बहुत सुंदर सी जगह। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सब वो पहाड़ देख रहे होंगे, वो जो पहाड़ है हमें एक्चुअली उसके पीछे जाना है। तो उसके पीछे और एक पहाड़ है जहाँ पर एक छोटा सा खूबसूरत सा मंदिर है, तो हमें वहाँ जाना है। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मतलब खेती कर रखे हैं लोगों ने, कितना सुंदर पहाड़ है। और ये है मेरा भाई आशीष, बहुत ही अच्छा है आज मौसम। ये हमारा एक्चुअली मतलब नीलगिरी और सागवान का प्लॉट है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे नीलगिरी का पेड़ और सागवान का पेड़ है। हम लोग मतलब जो जहाँ हम जाने वाले थे जिस मंदिर, उसके नीचे जो नीचे हम लोग पहुँच गए हैं। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। मतलब यहाँ पे 3 साल से 3 या 4 साल से पूजा हो रहा है। 3-4 साल पहले ही मंदिर बना है, जो मतलब यहाँ पे शिव भगवान का पूजा किया जाता है। तो जिस साल पहली बार किया गया था उस टाइम पे आप देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पे मतलब खाने वाने का पूरा इंतज़ाम किया गया था और शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया था। तो यहाँ पर एक हैंडपम्प भी है, पानी थोड़ा अलग लगता है क्योंकि मसाया दिए में भी जंगल के पास है, इसीलिए मतलब पीने लायक है। अगर आप बोतल में इसको भर लेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो पानी मैला हो जाता है, तो आप मतलब तुरंत तो उसको निकाल के पी सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब चूल्हा वगैरह बनाया गया है। सिर्फ एक ही बार यहाँ पे शिवरात्रि हुआ था, उसके बाद से शिवरात्रि यहाँ पे मनाया ही नहीं गया है। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ये एक घर है, यहाँ पे बाबा लोग रहते हैं। उधर मंदिर है मतलब वो केले के पेड़ के पीछे, आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना सुंदर जगह है ये। मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में मंदिर। वैसे तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसीलिए यहाँ पे उतना आते जाते नहीं हैं। सिर्फ मतलब आसपास के गांव के जो लोग हैं वो लोग ही आते हैं यहाँ पे। मतलब हर मंडे को और यहाँ पे पूजा होता है। नीचे बाबा लोग रहते हैं, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे भी रहते हैं बाबा लोग, अभी तो ताला पड़ा हुआ है, शायद यहाँ पे अभी कोई नहीं है। तो चलिए मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। पिछली बार हम जब यहाँ पे आए थे पानी थोड़ा साफ था, लेकिन अभी बारिश हुआ है दो तीन से ज़्यादा टाइम, इसीलिए पानी थोड़ा गंदा हो गया है यहाँ पे। नहीं तो अच्छा साफ पानी, अभी ज़ोर से बारिश होने के बाद मतलब पानी बहुत ज़ोरों से बहता है और गर्मी के दिन पे भी बहुत ज़्यादा पानी बहता है यहाँ पे। लोग चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा शिव जी का लिंग है और नंदी महाराज हैं
और वो लकड़ी से ढक दिए हैं, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, यहीं से ही दर्शन करके चले जाएंगे। अभी हम सब नीचे जा रहे हैं, हम लोग खा लिए, पूजा भी हो गया और सब अब नीचे उतर रहे हैं। नीचे पहुंच चुके हैं, तो ऊपर तो एक घर था, आप लोगों ने देखा वहां पे भी कुछ बाबा लोग रहते हैं जो कि अभी नहीं थे वहां पे। तो नीचे भी एक घर है जहां पे बाबा लोग रहते हैं, तो मैं वहां पे जा रही हूँ। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहां पे, तो अभी तो वो लोग नहीं हैं, ताला देके कहीं गए हैं शायद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका एक घर है, यहाँ पे चूल्हा वूल्हा भी बनाया, शायद यहाँ पे खाना वाना बनाते होंगे वो लोग। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से किए हैं, बारिश के टाइम पे आप रुक सकते हैं यहाँ पे, और शायद यहाँ पे भी कुछ बनाने वाले हैं। यज्ञ वज्ञ होता है तो वहाँ पे पूजा वूजा करते हैं शायद। तो मैं दिखाती हूँ, अरे वाह, यहाँ पे तो इन्होंने मतलब बैंगन भी लगाया है, दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे बैंगन मतलब हुआ भी है, बैंगन लगाए हैं। और ऊपर भी देखा था आपने, उन्होंने कितना कुछ लगाया था यहाँ पे, मतलब मिर्ची भी है, पपीता का पेड़ है, और ये जो सब आप देख रहे हैं वो मतलब वो आम का सब पौधा वौधा लगाए हैं। यहाँ पे केले का पेड़ भी लगाए हैं, और ये पपीता है, ये नारियल है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो है इसको धन्वंतरी बोलते हैं, जो मतलब आप इसको चाय में डाल के पी सकते हैं, चाय में डालते हैं इसको चाय बनाते वक्त। और वाह, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये नारियल 1 2 3 4 5 नारियल का चारा किए हैं शायद, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है। पोमग्रेनेट का लगाए हैं पौधा, मैं दिखाती हूँ आपको,
ये रहा, पोमग्रेनेट का पौधा भी लगाए हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा थक गए थे, इसलिए मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बाय।